बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ऑन अमीर लाइफस्टाइल एंड फार्मिंग। और अभी मैं मौजूद हूँ अपने फार्म पे, तो चलाएँ चल के यहाँ की अपडेट देते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए यहाँ की अपडेट नहीं दी थी फार्म की। तो आप लोग को यहाँ की फार्म की अपडेट देते हैं इंशाल्लाह कि फार्म पे अभी क्या क्या चीज़ें हो गई हैं और क्या रह गई हैं, ठीक है। बाकी स्टार्ट कब से कर रहा हूँ तो ये भी इंशाल्लाह आपको बताता हूँ मैं। तो पहले आपको अपडेट दे दूँ कि फार्म की, ठीक है जी। और दूसरा ये कि मेरे चैनल का नाम मैंने चेंज कर लिया था, ऑल पाकिस्तान मंडी इन्फॉर्मेशन के नाम से मेरा चैनल था, जो अब मैंने अल अमीर लाइफ स्टॉक एंड फार्मिंग के नाम से कर लिया, जो फार्म के हिसाब से मैंने नाम रखा है इसका, ठीक है जी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, ठीक है जी। और मेरा फेसबुक पेज भी है, जिसके अंदर भी आपको अपडेट इंशाल्लाह मिलती रहेगी, तो वो भी इसी नाम से है, अल अमीर लाइफ स्टॉक एंड फार्मिंग के नाम से, ठीक है जी। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह आपको काम की अपडेट देते हैं। अभी इसमें जो तकरीबन अभी खाने का और पानी की हौस वगैरह ये सारी चीज़ें बन रही हैं, बाकी शेड तो तकरीबन वही बना हुआ था, बाकी अभी बड़े शेड जो हैं वो बकरीद के बाद ही बनाएंगे, क्योंकि अभी शिफ्ट करने का भी नहीं था, मगर ये है कि अभी शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी भलाई के जानवर वगैरह थे वो तो जब अभी जैसे जैसे लोग लेके जा रहे हैं अपने, तो यहाँ पर अभी वैसे भी कम जानवर आएंगे, तो फिर भी जिन भाई को पलाई वगैरह के लिहाज से जानवर यहाँ रखवाना हो, बड़े जानवर में भी और छोटे में भी, तो इंशाल्लाह पलाई सर्विस हमारी अवेलेबल है। तो आपको नंबर भी नीचे मेंशन हो रहा होगा, तो उस नंबर पे हम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपको इंशाल्लाह पलाई सर्विस के बारे में भी बताएंगे, बकरों के हवाले से भी और बछड़ों के हवाले से भी। बाकी आपको काम की अपडेट देते हैं इंशाल्लाह कि काम कहाँ तक और कैसे पहुँचा हुआ है, ठीक है जी। तो चलें चल के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पानी की जगह जो है ये बनवा रहा हूँ अभी मैं, तो अभी इसका काम अभी चल रहा है, तो इंशाल्लाह ये आज कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आपको दूसरी जगह दिखाता हूँ, जहाँ पर राशन रख के लिहाज से बनाएंगे हम, और खाना जहाँ पर रखने के लिए स्टोरेज के लिए, ठीक है जी। और दूसरा ये कि बनाने वगैरह के लिहाज से अंडा वगैरह बनाने के लिए, तो अभी ये ब्लॉक वगैरह पड़े हुए हैं, तो यही पोर्शन है गेट के बिल्कुल साथ ही, तो यहाँ पर अभी कमरे भी बनाने का यहीं पे ही है, और खाने के लिहाज से भी स्टोरेज के लिहाज से भी यहीं पे बनेगा। इसके साथ जो है कुछ बर्ड्स वगैरह के लिहाज से भी हम पिंजरे बनाएंगे, थोड़ा उसका भी शौक है हमें, तो ठीक है जी वो भी रखेंगे। बाकी वो दीवार वाली जो जगह है पूरी बड़ी तकरीबन 150 फीट जो है, तो ये तो बड़े बछड़ों के लिए ही रखेंगे, इसमें बड़े बछड़े के लिहाज से ही हम अभी शेड बनाएंगे, मगर वो बकरीद के बाद इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी कैसे हमने अभी प्लाई सर्विस स्टार्ट करी नहीं है, तो इंशाल्लाह बकरीद के बाद ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। बकरों की भी और बछड़ों की भी, तो उसकी बाकी जो डिटेल होगी वो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर, उस कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। और बाकी अगर आप विज़िट करना चाहें तो मेरा फेसबुक में पेज भी है अल अमीर के नाम से, तो उस पर भी आपको अपडेट मिल जाएगी इंशाल्लाह प्लाई सर्विस वगैरह के लिहाज से। तो प्लाई सर्विस तो हमने ऑन कर दी इंशाल्लाह जल्द ही, अभी एक आध दिन के अंदर यहाँ पर जो बकरे वगैरह हमारे वो शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी काम का सिलसिला आप देख रहे हैं कि हमारा चलना शुरू हो गया इंशाल्लाह से। तो बाकी जो है अपडेट यही है कि इंशाल्लाह, वैसे तो मूड यही था कि बकरीद के बाद ही स्टार्ट करेंगे, मगर ये है कि अभी हमने ये कहा कि हम स्टार्ट कर देंगे तो फिर स्टार्ट हो जाएगा, तो जितना वेट करते रहेंगे तो फिर वो वेट होता रहेगा। तो इंशाल्लाह देखें, अभी ये सारी चीज़ें हो गई हैं, अभी ये कुछ थोड़े बहुत पानी के लिहाज से खाने के लिहाज से ये सारी जगह हो जाए, तो बाकी फिर जो है प्लाई सर्विस हम स्टार्ट कर देंगे, तो हो सकता है कि इसी मंथ से ही स्टार्ट कर दें या नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर दें, बकरी से पहले ही स्टार्ट कर देंगे। तो बाकी 2023 के लिहाज से जो प्लाई सर्विस होगी वो इंशाल्लाह आप अवेलेबल होगी हमारे पास, वो आप हमारे पास जानवर रखवा सकते हैं इंशाल्लाह, आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी जानवर की और अच्छी मिलेगी इंशाल्लाह, आपको पता है मेरा एक्सपीरियंस है इस मामले में, तो आपकी वजह से ये सारे काम मैं कर रहा हूँ। तो मेरा शौक तो यही है, मैं तो जानवरों का शौक़ रखता था, बाकी सेल वगैरह के लिहाज से मैं परचेजिंग के लिहाज से मैं काम करता हूँ, तो मगर ये है कि प्लाई सर्विस और इस तरीके के लिहाज से काम करना ये सिर्फ आप लोगों की वजह से मैं कर रहा हूँ। ये काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मौसम भाई आप ये काम करें, आप माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस है, आप अच्छे तरीके से ये काम कर सकते हैं, तो इस वजह से फिर मैंने ये स्टार्ट किया है। तो उनकी मोहब्बत है कि वो मुझे माशाल्लाह से जानवर दे देते हैं प्लाई के लिहाज से, तो मैंने
पालना शुरू कर रहे हैं, तो अभी आप लोगों की भी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह सपोर्ट आप लोग करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे रिज़ल्ट देंगे बिल्कुल, और मुनासिब रेटों में देंगे बिल्कुल। ठीक है जी, तो ये फार्म की अभी अपडेट थी, तो इंशाल्लाह अभी जैसे शिफ्ट करते हैं तो इंशाल्लाह उसकी भी अपडेट आपको देंगे। ठीक है जी, तो ये हमारी डिटेल है। बाकी एक चीज़ और आएगी जो मैं आपको मेंशन कर दूँ, अभी हमारे पास जगह अवेलेबल है ठीक है फॉर रेंट के लिहाज से, कि अगर जिन भाई को यहाँ गडाप में अपने जानवर वगैरह रखवाने हैं फॉर सेल के लिए, तो वो उनको हम जगह प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है जी, तो उसकी डिटेल भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी, मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको मैं उसकी भी डिटेल बता दूंगा कि जिन भाई को जैसे जिनके पास जगह नहीं है तो उनको हम अभी सिर्फ बकरीद के लिहाज से रेंट पे जगह दे रहे हैं कि आप जगह ले सकते हैं। तो जो इतनी जगह आपको हमने भी दिखाई है जो बड़ा महान हमने बछड़े के लिए रखी है, तो वही जगह यही जो पूरी दीवार वाली जगह है ये इंशाल्लाह तकरीबन 150 फीट ऐसे है और 150 फीट ऐसे भी है तकरीबन, तो आपको जगह मिल जाएगी इसमें अंदर। ठीक है जी, तो आप इसमें अगर कोई इंटरेस्टेड है अपने जानवर यहाँ पर लाना चाहता है तो आप कॉन्टेक्ट कर लें। ठीक है जी, बकरी तक के जो रेंट आपके लिहाज से होगा तो वो आपको डिटेल वगैरह मिल जाएगी। तो चले चल के वीडियो का एंड करते हैं, और बाकी जैसे अपडेट होगी इंशाल्लाह मैं आपको देता हूँ। ठीक है जी, चले जी, अल्लाह हाफिज़।